खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। केंद्र की N95 मास्क पर बड़ी चेतावनी। N95 मास्क के कोरोना वायरस का प्रसार नहीं रुकता, राज्यों को रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। मास्क में लगा वॉल्व कोरोना वायरस रोकने में नाकाम है। अगर आप भी कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक लेटर लिखकर इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है। सरकार के मुताबिक वॉल्व लगे N95 मास्क वायरस को बाहर निकलने में मदद नहीं करता है। N95 मास्क का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब है। DGHS ने स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर होममेड मास्क को सुरक्षात्मक कवर के इस्तेमाल के बारे में सलाह दी है। साथ ही कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रिसेप्टेड N95 मास्क का उपयोग हानिकारक है, क्योंकि ये वायरस को मास्क से बाहर निकालने से नहीं रोकता है। गर्ग ने लेटर में लिखा कि मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि फेस कवर करने के लिए N95 मास्क के उपयोग पर रोक लगाई जाए। सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी वॉल्व वाले मास्क से बेहतर ट्रिपल लेयर मास्क को बताया है। इसके बारे में संगठन के निर्देश भी जारी हुए हैं। यही वजह है कि अब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी N95 के साथ ट्रिपल लेयर मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले WHO हो या फिर सरकार, उनकी तरफ से कहा गया था कि N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे बेहतर मास्क है। यही नहीं, सरकार ने भी N95 मास्क के इस्तेमाल की सलाह दी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह मास्क वायरस को रोकने में नाकाफी है, जिस वजह से N95 मास्क का बाजार करीब 29,000 गुना बढ़ गया। पहले रोजाना औसतन 1,670 मास्क बिकते थे, अब हर दिन करीब 4 करोड़ N95 मास्क बिक रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।